उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किए जाते हैं कि कहाँ से? एंग्लो इंडियन समुदाय को एक सदस्य उत्तराखंड में किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। एक सदस्य क्या किया जाता है? एक सदस्य नामित किया जाता है उत्तराखंड विधानसभा में। आइवोरी ग्रेगरी मैन वर्तमान विधानसभा के एकमात्र मनोनीत सदस्य है। आइवन ग्रेगरी मैन एकमात्र मनोनीत सदस्य है। अब तक उत्तराखंड में चार एंग्लो इंडियन विधायक बने हैं। एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। और अब तक के गो विधायक बने हैं? चार गो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अब तक चार गो विधायक बने हैं एंग्लो इंडियन के। अभी आइवन ग्रेगरी है 2020 में। कौन सा कथन सही है? देखता हूँ कौन कौन सही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि 6 वर्ष के लिए होती है, ये बात सही है, जबकि अन्य राज्यों की विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। हाँ सही है। तो कौन सही है? तो पहला तो सही लगा, दूसरा देखता हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाँ बढ़ाया जा सकता है आपातकाल में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो या नहीं। राज्य विधानसभा का विघटन किसी भी समय किया जा सकता है। तो इसका आंसर सब होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। कोई धन विधेयक है कि नहीं विधेयक है, ये विधानसभा अध्यक्ष करता है। हाँ ये मनोनी एक चीज़ है कि अनुमति लेता है राज्यपाल से। धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले क्या करता है? मुख्यमंत्री जाके राज्यपाल से अनुमति लेता है। धन विधेयक 110 में वर्णित है। राज्यों की विधानसभा को कितनी समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना? तो देखिए, संवैधानिक सुधार करना है या अस्वीकार करना, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। संवैधानिक संशोधन करना है या असंवैधानिक करना है, ये इसके लिए कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। अनुच्छेद 170 में वर्णन किया गया विधानसभा गठन का, प्रत्येक राज्य की विधानसभा 500 होगी, न्यूनतम 60 होगी। अपवाद है गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32, और पांडिचेरी 30 के साथ। राज्यों की विधानसभा को अनिश्चित समय अवधि के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक स्वीकार करना अस्वीकार कर सकता है। संविधान संशोधन करना है विधानसभा को, ये संविधान संशोधन करना है, तो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? एकल हस्तांतरित सीमित या अनुपातिक प्रतिनिधि या बयक्स मताधिकार? बयक्स मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में विशेष विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? बयक्स मताधिकार के आधार पर। विधानसभा का चुनाव किस वर्ष किस आधार पर होता है भारत में? तो बयक्स मताधिकार के आधार पर। बयक्स मताधिकार के आधार पर क्या होता है? चुनाव होता है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित होने वाली प्रत्याशी अपना राशि खो देता है, तो इसका निर्वाचित होने वाला राशि अगर खो दे, तब समझिए कि उस राज्य में उस जगह में बहुत ज़्यादा ही क्या थे, इलेक्शन लड़ने वाले सदस्य कैंडिडेट थे, उस राज्य में बहुत लड़ने वाले कैंडिडेट थे, इसलिए क्या करता है? पैसा रख लेता है। ओके, प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है, इसका अर्थ हुआ मतदान बहुत कम हुआ? नहीं, निर्वाचित से प्रत्याशित निकटतम प्रतिनिधि विजय बहुत कम मतों से हुआ है। निर्वाचन लेने में प्रत्याशी की संख्या बहुत थी। हाँ, प्रत्याशियों की संख्या बहुत थी, इसलिए उसको ख़त्म कर देता है। विधान सभा में कोई धन विधेयक है, इसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विधानसभा में कोई धन विधेयक है कि नहीं, यह राज्यपाल से पहले अनुमति प्राप्त करेगा। राज्यपाल की अनुमति लिया जाता है। विधानमंडल में प्रस्तुत विधानसभा में कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता, पहले राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुमति लिया जाता है। राज्यपाल की अनुमति कोई भी अनुदान मांग विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं की जा सकती, जबकि राष्ट्रीय विधान आपातकाल हो तब वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारत भेज सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह विधानमंडल से पूरक अतिरिक्त अनुदान मांग करे। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि ले।
राज्य के मिनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों सदन द्वारा, केरल विधानसभा द्वारा, केरल उच्च न्यायालय द्वारा। मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा द्वारा, मनी बिल केवल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा द्वारा, मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा द्वारा। विधानसभा में प्रस्तुत बिल किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष, जिसे मनी बिल कहे वहीं धन विधेयक समझा जाएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसके प्रतिबंध लगाया है, तो दल बदल पर 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में के प्रतिनिधियों का प्रावधान भारत के संविधान के 21 अनुच्छेद में है, 333 में, 333 में आंग्ल भारतीय के लिए, लेकिन राज्य के विधानसभा में इलेक्शन से है, केंद्र नहीं, राज्य के विधानसभा से संबंधित है। 331 तो केंद्र का है लेकिन 333 है राज्य का। विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का निर्वाचन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 170 में किसी के बारे में दिया हुआ है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल यह राय की है कि राज्य की विधानसभा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, उसमें प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा नहीं है, तो विधानसभा के उस समुदाय का एक सदस्य निर्देशित करता है। 170 के अनुसार 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से कम नहीं होना चाहिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो पश्चिम बंगाल में 294 के साथ, 243 बिहार के साथ, ओके, तमिलनाडु 234 के अनुसार। राज्य विधानसभा तथा लोकसेवा में महिलाओं का आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत की बात कही गई है, तो 33%।